वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं अग्रोहा। ये बाहर का जो व्यू है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ हम लोग आए हैं, ये है कुल देवी माता महालक्ष्मी की। यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन काफी मेला लगता है और कई मतलब कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ये काफ़ी फेमस एरिया है जहाँ मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हिसार के पास है। हिसार से अगर आप आते हैं तो आपको 8 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप बरवाला से आते हैं तो आपको 24 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं अग्रोहा धाम में। ये है अग्रोहा धाम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बाहर का गेट है और यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अग्रोहा धाम है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं तीन है, जैसे कि अग्रोहा धाम हिसार हरियाणा में प्रेजेंट है। इसका जो निर्माण है 1976 से शुरू हुआ था और 1984 में ख़त्म हुआ। अग्रोहा धाम देवी महालक्ष्मी को समर्पित है, ठीक है। और धाम को तीन भागों में बांटा गया, जैसे कि बीच वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये माँ लक्ष्मी, और पूर्वी हिस्सा महाराज अग्रसेन, और पश्चिमी हिस्सा जो है वो माँ सरस्वती को समर्पित है, ठीक है। और मंदिर के पिछले हिस्से में 12 ज्योतिर्लिंग से बना रामेश्वर धाम बना है। और मंदिर के बीच में सरोवर का निर्माण किया गया और जिसको 41 पवित्र नदियों के जल के साथ पावन किया गया है। और इसमें जो खास बात है, धाम में काफ़ी दर्शनीय जो स्थल है जिसमें मंदिर परिसर में कृष्ण लीला की झांकी और गजमुक्तेश्वर झांकी, जमीन के 15 फुट नीचे माँ वैष्णो देवी की गुफा और तिरुपति बालाजी, और इसमें भैरवनाथ बाबा अमरनाथ के साथ साथ हनुमान जी की भी 90 फुट ऊंची प्रतिमा शामिल है। तो अभी मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये देखिए, साथ में इसमें पार्क भी है, सब लोग यहाँ घूमने के लिए भी आए हैं। ये देखिए, यहाँ सब लोग घूमने के लिए आए और कई कई मतलब लोग यहाँ दूर दूर यहाँ पर आते हैं। और ये मंदिर जो खुलने का समय भी अलग है, आरती का समय भी होता है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। ये अग्रोहा धाम है हिसार के पास। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर। तो यहाँ आप को प्रसाद मिल जाएगा जो कि अंदर मंदिर में चढ़ाया जाता है। ये लक्ष्मी माता का प्रसाद है जो अभी मंदिर में चढ़ाया जाएगा। ये देखिए, ये मैंने दिया है प्रसाद जो कि माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाएगा। हम लोग जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, मेरे बैक साइड में बहुत ही ज़्यादा सुंदर एलिफेंट है, यानी कि हाथी है। ये देखिए, ठीक है, टाइम पर आपको दोनों गेटों पर हाथी बने हुए दिखाई देंगे और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर की ओर। ये देखिए, यहाँ भी आपको दोनों तरफ गेट पर हाथी देखने को मिलेंगे। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सीढ़ियों पर। यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने का, और काफ़ी बड़ा एरिया है जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ आपको दिखाई दे रही है प्रतिमा, काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। अभी चल रहे हैं हम लोग अंदर। ये बाहर का जो व्यू है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से आप एंटर करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मंदिर है अंदर का एरिया और काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखिए, यहाँ देखिए, मैं अंदर चल के दिखाने वाली आपको किस किस भगवान की यहाँ मूर्ति है, लक्ष्मी माता की है। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। और ये काफ़ी प्रसिद्ध है मंदिर, ये अग्रसेन महाराजा अग्रसेन के द्वारा बनवाया गया था। पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, हम करेंगे यहाँ से एंट्री, माथा टेकेंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अगर आपकी कोई श्रद्धा है तो यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है जो कि हम अभी लेकर आए हैं, यहीं पर चढ़ाएंगे। क्या हम लोग आए हैं, ये है कुल देवी माता महालक्ष्मी की। तो हम लोग प्रसाद लेकर आए थे, पंडित जी यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, लोग यहाँ पर सब लोग तिलक करवा रहे हैं। पर ये विष्णु भगवान जी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गुफा के अंदर, हम लोग जा रहे हैं गुफा के अंदर। और यहाँ से हम टनल से निकलेंगे और आगे की ओर निकलेंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी हम लोग टनल के अंदर से जा रहे हैं, काफ़ी लंबी टनल है। ये देखिए, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग।
ये है अमरनाथ गुफा। हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पर जहाँ हमें पहुँचना था। देखिए यहाँ हम दर्शन करेंगे। ये देखो अभी देख पा रहे ये प्रतिमा है, काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं, अभी हम लोग इस गुफा से जाएंगे। चलो ये देखिए ये लोइन का मुंह है जहाँ से गुफा बना रखी है। ये देखिए नीचे झुक के चलो। एक गुफा है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये लकड़ी का पुल बनाया है और हमने लोइन के मुंह से एंटर किया था और बाहर अभी एग्जिट कर रहे हैं। तो हम अभी अंदर की ओर जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी गुफा है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ पर आपको माँ वैष्णो देवी का प्रसाद मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग एक चीज़ और दिखाने वाले हैं आप लोगों को। हम लोग यहाँ से एंट्री करेंगे। ये है माँ वैष्णो देवी का, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। और ये माँ वैष्णो देवी है जहाँ से हम एंटर करेंगे। ये गुफा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ देखिए ये है चरण पादुका। काफी अंदर भीड़ हो चुकी है और लाइनें रुक चुकी हैं, तो अब हम धीरे धीरे आगे की ओर चल रहे हैं। ढलान है, चलिए ध्यान से। प्रतिमा है ये देखिए, ये प्रतिमा बना के जहाँ आप दर्शन कर सकते। ये देखिए ये काफी लंबा है। ये देखिए अभी हम लोग माता के दरबार में पहुंच चुके हैं जहाँ हम लोगों को दर्शन करना था। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं माता के भवन में। तो आप लोगों को दिखा दो, हम दूसरे वाले गुफा में जा रहे हैं। ये देखिए वैष्णो देवी माता है, ये वैष्णो देवी माता है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। पिंडी दर्शन, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। नवरात्रों का दूसरा दिन है, माथा टेकना सभी माता को। ये देख सकते हैं ये माता का दरबार है। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं आगे। हम लोग बाहर की ओर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो गुफा दिखाई थी वो मतलब इतनी भयानक थी कि अगर अंदर लाइट ना हो तो सर पर लगती है। तो काफ़ी लोगों को क्या हुआ कि सर पर लगना शुरू हो गई थी। तो हमने अपने मोबाइल से टॉर्च करके पूरी गुफा में जितनी भी मादाएं हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो सब देखा। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर की ओर। तो अंदर का मैंने आप लोगों को सारा दिखा दिया। ये श्री भैरव बाबा जी की जय। ये श्री भैरव बाबा का मंदिर है। ये देखिए यहाँ भी सब लोग अपना दर्शन करके आगे की ओर निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टनल में जो कि बाहर की ओर निकलेगी। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं बाहर। यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन काफ़ी मेला लगता है और कई मतलब कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अंदर का जितना भी एरिया दिखाया वो इस टाइप का ही है। टनल से ही निकल कर आपको जाना होगा। टनल में ये चीज़ एक खास है कि जैसे कि आप लोग जा रहे हैं अगर आपके कोई बुजुर्ग है तो आप अपना टॉर्च लेके चलें, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल स्लाइड है जिसकी वजह से सर पर भी लग सकती है। तो आप लाइट करके चलेंगे तो बुजुर्ग को जो साथ में होगा आपके पर्सन उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं आप लोगों को एक और जगह लेके चलती हूँ जो कि हनुमान जी की यहाँ मूर्ति है जो कि 90 फीट हाइट पर है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है अग्रोहा धाम जो कि मैं आपको हनुमान जी की जो मूर्ति बता रही थी वो 90 फीट पर है, वो आप देख सकते हैं सामने ही है। और साथ में पार्क भी है और साथ में यहाँ आप खाना अगर कुछ चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी मतलब आपको राउंड टाइप में ही मिलेगा। यहाँ बच्चे हैं देखिए। यहाँ पर सबसे बड़ी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे कि कई पर्यटक आते हैं दूर दूर से तो उनको कई बार खाने के लिए भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर अंदर भी रेस्टोरेंट है और होटल भी मिल जाएगा आपको, जहाँ आपको कई तरह की चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मान जो कि मूर्ति है जो कि 90 फीट पर है और ये काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए काफ़ी बड़ी है, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं घूमने के लिए। जो ये व्यू है काफ़ी अच्छा व्यू आप देख पा रहे हैं। ये भोले शंकर जी हैं साथ में। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू बना रखा है। ये इस टाइप का कुछ देखने को आपको मिलेगा ये व्यू। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और जितना भी मैंने आप लोगों को अग्रोहा धाम दिखाया है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, यानी कि घूमने का काफ़ी अच्छा स्थान है। आप भी आ सकते हैं। अगर आप हिसार में हैं तो आपको 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। अगर आप बरवाला हैं तो आपको 24 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अगर आप किसी और एरिए में हैं तो आप बाई बस के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं और काफ़ी अच्छा देखने के लिए स्थान है। आप भी आ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।